नमस्कार दोस्तों, स्वागत आपका इस वक्त की ब्रेकिंग न्यूज में। जी दोस्तों, बड़ी खबर आ रही है कि भारतीय जनता पार्टी की एक और करारी हार। भारतीय जनता पार्टी के 7 विधायकों ने दिया कांग्रेस को समर्थन, तो वहीं पर मुख्यमंत्री कमलनाथ की राजनीति के सामने फैल हुई अमित शाह की चाणक्य नीति। जी दोस्तों, 26 मार्च तक सरकार को कोई छू भी नहीं सकता। मुख्यमंत्री कमलनाथ के काम आया कोरोना। जी दोस्तों, आपको बता दें कि मध्य प्रदेश विधानसभा में भारतीय जनता पार्टी की एक बार फिर से करारी हार हुई है और भारतीय जनता पार्टी दौड़ी दौड़ी चली गई सुप्रीम कोर्ट के पास। जी दोस्तों, भारतीय जनता पार्टी के 7 विधायकों ने, बड़ी खबर आ रही है कि भारतीय जनता पार्टी के 7 विधायक कांग्रेस के संपर्क में बताए जा रहे हैं। मुख्यमंत्री कमलनाथ ने किया बड़ा ऐलान। आपको बता दें दोस्तों कि मध्य प्रदेश विधानसभा में कोरोना को देखते हुए 26 मार्च तक स्थगित कर दी गई है और इसकी शिकायत भारतीय जनता पार्टी सुप्रीम कोर्ट में पहुंच गई है और भारतीय जनता पार्टी के नेता शिवराज सिंह चौहान की ओर से दाखिल याचिका में कहा गया है कि राज्यपाल की ओर से 16 मार्च को फ्लोर टेस्ट कराने के लिए कहा गया था, लेकिन इसके बाद भी इस पर अमल नहीं किया गया और शिवराज ने कोर्ट से जल्द फ्लोर टेस्ट कराने की मांग की है। दरअसल इस बात के लिए पहले से ही विधानसभा स्पीकर की ओर से संकेत दिए जा रहे थे कि फ्लोर टेस्ट को टाला जा सकता है। हालांकि राज्यपाल लालजी टंडन ने स्पीकर से कहा था कि 16 मार्च को फ्लोर टेस्ट करा लिया जाए, लेकिन जब सोमवार को विधानसभा की कार्यसूची में इसका जिक्र नहीं था तो असमंजस बढ़ गया। और दरअसल मुख्यमंत्री कमलनाथ की पूरी कोशिश थी कि किसी भी तरह से फ्लोर टेस्ट को टाल दिया जाए ताकि नाराज विधायकों को मनाया जा सके। और आपको बता दें दोस्तों, खबर यह भी है कि नाराज विधायकों में से कुछ विधायक कांग्रेस के संपर्क में हैं और उनको जल्द ही बेंगलोर से मध्य प्रदेश में लाया जा सकता है। हो सकता है कि अमित शाह के द्वारा चली गई जो चाणक्य नीति है वो कांग्रेस के मुख्यमंत्री कमलनाथ के सामने पस्त होती हुई दिखाई दे रही है। तो वहीं पर भारतीय जनता पार्टी के नेता प्रतिपक्ष गोपाल भार्गव और पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का कहना था कि सरकार अल्पमत में है, इसलिए वह फ्लोर टेस्ट से भाग रही है। तो वहीं पर मध्य प्रदेश सरकार में मंत्री पीसी शर्मा ने कहा कि सरकार फ्लोर टेस्ट के लिए तैयार है, लेकिन उनके 16 विधायक गायब हैं, उनके बिना फ्लोर टेस्ट कैसे हो सकता है। विधायकों के गायब होने की बात मुख्यमंत्री कमलनाथ गृह मंत्री अमित शाह को भी बता चुके हैं और पीसी शर्मा ने यह भी है कि जिन विधायकों को बेंगलुरु में रखा गया है उनको भारतीय जनता पार्टी के द्वारा पकड़ा गया है। लेकिन आपको बता दें कि जिन विधायकों की बात पीसी शर्मा कर रहे हैं, उन्होंने विधानसभा अध्यक्ष को इस्तीफा भेजा है। ज्योतिरादित्य सिंधिया के खेमे के 16 बागी विधायकों ने विधानसभा अध्यक्ष एनपी प्रजापति को अपने इस्तीफे भेजे हैं। इन विधायकों ने स्पीकर से कहा है कि व्यक्तिगत तौर पर मिलना संभव नहीं है। जैसे 6 विधायकों के इस्तीफे स्वीकार किए हैं, वैसे ही इनके इस्तीफे को स्वीकार किया जाए। शनिवार को मध्य प्रदेश के 6 मंत्रियों के विधानसभा सदस्यता से त्यागपत्र को मंजूर कर लिया था। परंतु दोस्तों, आपको बता दें कि मध्य प्रदेश विधानसभा का गणित अब कुछ इस प्रकार से होता हुआ दिखाई दे रहा है कि 7 भारतीय जनता पार्टी के विधायक जो कांग्रेस के संपर्क में बताए जा रहे हैं, अगर 222 विधानसभा सदस्यों की विधानसभा रहती है तो उनमें से कांग्रेस के खाते में 114 विधायक है, जबकि भारतीय जनता पार्टी के खाते में मात्र 100 विधायक रहते हुए दिखाई दे रहे हैं। आपको बता दें कि कांग्रेस के बागी विधायकों ने विधानसभा अध्यक्ष एनपी प्रजापति को पत्र लिखा और उन्होंने कहा कि हमारे इस्तीफे सभी के एक समान हैं और जैसे 6 मंत्रियों के इस्तीफे स्वीकार किए, वैसे ही इनके भी स्वीकार करो। परंतु आपको बता दें दोस्तों कि मध्य प्रदेश के अंदर कमलनाथ के संपर्क में कुछ कांग्रेसी विधायक बताए जा रहे हैं, जिससे हो सकता है कि भारतीय जनता पार्टी को बड़ा झटका लगे और एक बार फिर से भारतीय जनता पार्टी पूरे देश के सामने शर्मसार हो सके।